सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे ज्यादा पुअर पढ़ाई लिखाई दवाई नौकरी बेरोजगारी सब इन्हीं ने दिए। 10 साल में कोई भर्ती हो बताओ। मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। दिक्कत किसको होगी यहाँ पे, हम फंसे आज। एक भी कोई विकास मोदी यहाँ पे किसान है बधाई में तो फिर जैसे वो कर तैयार। लेकिन परेशान तो किसान हम लोग हैं ना, बेतुरी परेशान है, तो आराम से इसी में सो रहे हैं लेटे। ये सरकार तो बहुत भेदभाव वाली सरकार है। किससे भेदभाव कर रही है? सब यादवंश है, मुसलमान अंश है, और जो हमारे जाटव है, कोरी है, जुलाई है, ये सब बेचारे परेशान है। अरे पूंजी पार्टी भी पूंजीपति है और पूंजी लोगों को, पूंजीदार लोगों को फायदा हो रहा था। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी, 3 साल ही कर दी, 4 साल की, 4 साल ही कर दी। कहाँ नौकरी है ये बताओ? खेत में गाय रखा रहे हैं तो हमको तो उखाना पड़ रही है, कहीं गैया ना आ जाए। चलिए आप घर में बजरवाइन डर रही है, कहीं गुंडा ना रहा अपने घर में। राशन नहीं मिल रहा 5 किलो? राशन मिलता है, उससे क्या ज्यादा थोड़े, बड़ा परिवार है उससे गुजारा थोड़ी होता है। जुमलेबाजों की सरकार है ये, और रड़ुओं की। रड़ुआ आदमी क्या बाल बच्चों के बारे में बता सकता है कुछ? और जे लोग केवल जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम बाजी करते हैं केवल, और कोई नया काम करते हो तो बताओ आप। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी बदायूं लोकसभा के यहाँ बिसौली में रानेट चौराहे पर है। ये चौराहा जो है ये ठीक यहाँ की एक बहुत बड़ी शुगर मिल है, यशु शुगर मिल, उसके ठीक सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, कई अलग अलग बिरादरियों के लोग हैं। चुनावी माहौल क्या है पता करते हैं। यहाँ पिछली बार संघमित्र मौर्य भाजपा से जीती थी, छोटा था विनिंग मार्जिन, लगभग 18-19 हज़ार का ही। इस बार भाजपा से खड़े हैं दुर्विजय सिंह शाक्या जी, सपा से इस बार आदित्य यादव जी जो कि शिवपाल यादव जी के बेटे हैं, और बसपा से मुस्लिम खान जी। आइए लोगों से पता करते हैं कि क्या है चुनावी रुझान, किस तरफ लोगों का रुझान है। जी नमस्कार साहब, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, पीडीए के पट्टे भी लगे हैं। जी साहब, हाँ जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजपाल सिंह उर्फ राजू जाटव। राजू जी ये बताइए, राजपाल जी ये बताइए, अभी चुनाव आ रहे हैं, आपने तो पीडीए का ये भी पहना हुआ है गमछा, दलित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तो अखिलेश जी ने नारा दिया है इस बार, तो आप उन्हीं के ही समर्थन में हैं? बिल्कुल 100% भाई। तो राजू जाटव जी ये बताइए फिर, आप क्यों इस बार समर्थन में हैं? भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े खुले मंच से ये चैलेंज करते हैं कि 400 सीटें अगर आईं तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान दबे कुचले वंचितों की आत्मा है, अगर वो आत्मा ही खत्म हो गई तो हमारे मौलिक अधिकार स्वतः खत्म हो जाएंगे। मोदी जी तो लगभग रोज कह रहे हैं कि ये संविधान हम नहीं बदलेंगे, हमका मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है संविधान नहीं बदलेगा। आप कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा? मोदी जी ये बार बार ये कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने कहा कि आरक्षण अकुशलता का प्रमाण है, अगर अगली बार हम सत्ता में आते हैं तो आरक्षण खत्म कर दें बैकवर्ड सर्व कास्ट का, ये कहा है उन्होंने? अरे भाई अब वीडियो है मेरे पास, लेकिन उन्होंने कोड किया है ये, मतलब स्पष्ट रूप से आप कह रहे हैं, नहीं कहा घुमा फिरा के बात नहीं, डायरेक्ट कहा लेकिन कोड किया है, किया है। अच्छा कोड मीन्स समझ गए होंगे, किसी की कही हुई बात को रिपीट अच्छा, किया, उन्होंने कोट किया है किसी किया। और को ठीक है, ठीक है जी। तो ये बताइए मुझे कि अभी आपको ये जो खतरा लग रहा है कि संविधान बदलेगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा, वैसे अगर हम 10 साल भाजपा सरकार के देखें, मोदी सरकार को लगभग 10 साल हो गए हैं, यहाँ तो यूपी में डबल इंजन सरकार 7 सालों से चल रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही है? सबसे ज़्यादा पुअर पढ़ाई लिखाई दवाई नौकरी बेरोजगारी सब इन्हीं ने दिए। 10 साल में कोई भर्ती हो बताओ, कोई अस्पताल बनवाया हो वो बताओ, कोई एक विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे, हम यहीं खड़े हैं, यहाँ पर अगर कोई खड़ा हो तो बताए इसको। ये बताइए, ये बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था सपा के समय बहुत ख़राब थी, हमने बहुत सुधार दी। कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा ख़राब है, महिलाओं के कितने साथ रेप होते हैं, हाथरस का कांड देखिए, और बदायूं में भी 2 बड़े-बड़े ऐसी घटनाएं हुई, और कानून व्यवस्था अखिलेश भैया की सरकार में सबसे अच्छी, 112 नंबर अखिलेश ने दी, 2 मिनट में पहुंच जाती, विदेशी पैटर्न है वो, आखिरी 6 महीने में ही आई थी, लेकिन उनके वो हम जाकर कभी आए, उन्होंने दिया तो हमको, कोई चीज प्लान बनता है प्रोजेक्ट बनता है तो डेवलपमेंट जब होता है तो समय लगता है ना उसको, विदेशी कल्चर पर ला के उन्होंने हमको 112 नंबर दिया, 1 मिनट में पहुँचती थी, और वो उसको सुविधा मिली।
चलिए ये बताइए, आप यहाँ बधाइयों की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जो पीडीए का गमछा पहना है तो हम मान के चल रहे हैं कि आप उनके कट्टर समर्थक हैं। कट्टर समर्थक ही नहीं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए कि कानून व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, हेल्थ उनके समय में सबसे बेस्ट रहा है। और ये जो मोदी जी कहते हैं हमने ये आयुष्मान कार्ड दे दिया कि गरीब आदमी अपना मुफ्त में इलाज करवाए, आयुष्मान कार्ड दिया? आ रहे हैं, अच्छा आपके पास भी आएंगे, आएंगे। आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिया, उनका टाई अप अस्पताल वालों से, वो कहते हैं 5 दिन भर्ती रहो, 15 दिन का पैसा काट लेते हैं, वो तो पैसा रईस का रईस के पास जा रहा है, हम जो इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, वो पैसा डेवलपमेंट में कई परसेंट लगाया, वो हमारा पैसा वो ही खा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब क्या आप आयुष्मान से ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में सुधार आए? आयुष्मान से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में सुधार आए, गाँव तक पहुँचे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर, सही बात, तभी हमको लगेगा हेल्थ हमारा सही है। आयुष्मान कार्ड तो एक शोषण करने की, आर्थिक शोषण करने की व्यवस्था बना रखी भाई। मान लो गुप्ता जी का अस्पताल है, हम गए, इनने हमारे पैसा खींच ले, 10 रुपया को तो इलाज वो और 1 लाख खींच लिए, ये तो हमारा पैसा वही खा रहे हैं भाई। चलिए मैं थोड़ी देर में अभी और लोगों से भी बात करते हैं, जिन लोगों ने पीडीए के गमछे पहने हैं उनसे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बाकी चलिए नहीं तो चलिए आपसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार हैं सर। जोर से बोलिए। बेरोजगार हैं सर। बेरोजगार हैं क्यों? 2 करोड़ नौकरियां साल की मिलनी थी, वो सर दिखाई तो देती नहीं है, वो तो सिर्फ भाषणों में सुनाई देती हैं। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही है? वैसे आपने इसके लिए अप्लाई किया था अभी पुलिस भर्ती के लिए जो 69 पेपर तो लीक हो गया ना? पेपर लीक हो गया, पूरा यूपी बहुत परेशान है उससे। कहाँ जा रहे हैं आप इस बार चुनाव? पीडीए की तरफ। पीडीए की तरफ। पीडीए मतलब, जिन दर्शकों को नहीं पता, पता तो सबको होगा वैसे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये नारा इस बार अखिलेश जी ने दिया है इस चुनाव में। सर इसमें एक और काम कालम है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है, आवलिक सामान्य जाति के वंचित समाज के परिवार भी इसमें शामिल है, अन्य मतलब जो अन्य में जो गरीब, जो हर कास्ट में जो गरीब है, चाहे भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, क्या सब 100% सैचुरेट है? आप कह रहे हैं जो भी वंचित है किसी भी रूप से, सरकारी साधनों के साथ साथ आर्थिक अभाव में जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और रहेंगे। ठीक ठीक, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी क्या करते हैं आप? भैया के साथ में काम करते हैं। हाँ जी, भैया के साथ में मेडिकल पे काम करते हैं। मेडिकल में काम करते हैं, क्या अपनी दुकान है, क्या है? भैया की दुकान है, उस पर। भैया की दुकान पे काम करते हैं। बताइए जी, 10 साल कैसे रहे हैं धंधे के लिए? बहुत बेकार है साहब। क्यों? ये तो कह रहे हैं हमारा इकोनॉमी 34वें नंबर पर ले आए मोदी जी। कहने से थोड़ी ना होता साहब, नीचे आके देखो, ये सामने जरा कैमरा करो, देखो क्या हाल है। यहाँ देखो सामने इतनी पशु से दिक्कत है, रात में टकरा जाते हैं सब। अच्छा, बिजार से सब परेशान है, पूरा यूपी हमारा पशु। मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, दिक्कत किसको होगी यहाँ पे? हम फंसे आज, कोई परेशानी हुई तो क्या झोला लेके चले जाएंगे फकीर की तरह, यहाँ कौन झेलेगा? चलिए आप क्या अपना बिजनेस है ये बताइए, कि ये नोटबंदी हुई, GST हुई, उसके बाद से कुछ धंधा पिकअप किया है या फंसा हुआ है? दिक्कत तो हमें हुई साहब, नोटबंदी, लाइन लगे रहते पूरे दिन, 500 रुपये दहाड़ी है वो मिलती नहीं है, एक दो दो तीन दिन जाते हैं नोटबंदी में, 100-200 रुपये मिल जाए वो भी ना मिलती है, मजदूर आदमी रोज खाना पीना है, बस जितना कमाओ उतना ही खाना है। कहाँ वोट कर रहे हैं? आदित्य भैया। वो आप आदित्य भैया को, नौजवान है लेकिन ये तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अनुभव नहीं है आपको, लग रहा है कर लेंगे? सांसद जी इससे धर्मेंद्र जी है, पहले इससे पहले उनने इतना विकास कराया, किसी ने नहीं कराया यहाँ पे। अच्छा, उनके जुड़े हुए एक भी कोई विकास मोदी यहाँ पे गिना दे बधाई में तो फिर जैसे वो कर तैयार है। तो विकास जो सड़कें वगैरह बनी है किसने? ये सब धर्मेंद्र यादव जी की। धर्मेंद्र जी तो संगमित्र मौर्य जी जो थी कुछ नहीं की? कुछ नहीं किया उन्होंने, घूमने के सवाल देखी नहीं हमने तो 5 साल तक, कहाँ है देखी नहीं। आपका नाम साहब? नवाब सिंह है मेरा नाम। हाँ जी, नवाब सिंह। नवाब सिंह जी क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं सर। खेती किसानी? हाँ जी। कितना परेशान है आवारा पशुओं से बताइए, जहाँ किसान से सोनो ना मिल रहा, रखा रहता खेतन भी परे रहता, परेशानी परेशान है। वो तो कह रहे हम गौ रक्षा कर रहे हैं। अरे बे तो कछ कह रहे, उन्हें कह रहे तो जो कछ बढ़िया है, जो कछ कह लेंगे वो तो बढ़िया है, लेकिन परेशान तो किसान हम लोग हैं ना, बेतुरी परेशान है, तो आराम से इसी में सो रहे हैं लेटे। किसान सम्मान निधि मिल रही है? अरे किसान सम्मान निधि से कहा हुआ हमें भाव ना मिलते, जितना नुकसान हो रहा है उससे कुछ ना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 2014 से पहले मोदी जी ने ये कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, है ना, स्वामीनाथन कमेटी जो उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी उसमें अपनी एक क्या कहते हैं, स्वामीनाथन कमेटी की बहुत सारी उन्होंने सिफारिशें दी थी किसानों के लिए क्या क्या करना है, उसमें था बहुत सारी सरकारी मंडियां भी खुलनी चाहिए, जितनी हैं वो फ़िलहाल कम हैं,
और ये भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा किसानों को, जिसके तहत मोदी जी ने वायदा किया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे हम। क्या हुआ है? दुगनी है, खावे घट गई आमदनी और किसान की परेशान है, किसान सबसे ज्यादा किसान परेशान है। क्या उगा रहे हो? आलू उगाते हो उधर? क्या होगा? आलू गेहूं बाजरा सब उगा रहे हैं। जितनी रेट मिल रहा है कुछ नहीं, कोई रेट ना मिल लो, काउची जो रेट ना मिल लो, बताओ काउची जो रेट मिल लो, काउची जो रेट नहीं है। आपका नाम साहब? गजपाल सिंह। गजपाल जी क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? आपके भी यही अनुभव है कुछ अलग अनुभव? यही अनुभव है। अच्छा, गैया रखा था सही रात, दिन में निकाल आंखें कूंच लेते हैं। तो कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? परेशानी आदित्य भैया को। आप भी आदित्य भैया? सब आदित्य भैया के हैं। अरे अनुभव नहीं है, नौजवान लड़का है आप, ऐसे कैसे पीछे? अनुभव कैसे ना, राजनीतिक जीवन है उनको। अच्छा, दादलाती राजनीति का अनुभव क्यों ना? वो तो कहते हैं परिवारवाद ला रहे हैं, बार बार अपने ही परिवार से सबको। तो बेपरिवार वाला टिकट क्यों दे रहे हैं? अरे परिवारवाद वहाँ है तो वो टिकट दे रहे हैं, वो भी तो परिवार वाले हैं, उन्हें परिवार वालों को टिकट क्यों दे रहे हैं? अच्छा। अपने जैसे लड़ुओं को टिकट दें, उनके परिवार ही नहीं हो उसे टिकट दें। चलिए ये तो निजी अटैक। चलिए आपका नाम? जगवीर सिंह। जगवीर सिंह जी क्या करते हैं आप? खेती फेती कोई काम चल रहा है वही यार, खेती का। उतने ही खुश है, उतने ही नाराज है बाकी? अरे हम तो नाराज ही नाराज है, खुश कबू नहीं सकता। अच्छा जी, हाँ। क्या वोट कर रहे हैं? अब तो हम तो भैया आदित्य भैया को ही दे रहे हैं और कितने देंगे? आप भी आदित्य भैया? हाँ, सब बस। ये क्या बात है ये? अच्छा चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ भाई साहब? केपी हरी। केपी हरी क्या करते हैं? केपी हरी जी खेती बाड़ी करते हैं। आपके कैसे रहे हैं 10 साल किसानों के लिए? सही रहे हैं, जैसे जो भी कुछ है आपके सामने। सही रहे हैं? खुश हैं आप? किसान सम्मान निधि से खुश हैं जो आ रही है? खुश तो ना? खुश तो नहीं है तो आप ही कह रहे हो खुश हो, आप कह रहे हो नहीं। क्या आपको 10 साल सही में बताओ कैसे रहे हैं? मतलब कि आपको भी बीजारों की दिक्कत रही है, रेट बढ़ा भैया ने दिक्कत रही और कहा रही है। अच्छा, ये जो मोदी जी कहते थे मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, कुछ हुई आप लोगों की? हमारी कुछ ना हो, नहीं हुई। वोट कहाँ कर रहे हैं इस बार भैया? खड़े तो पीछे। कौन भैया? हुकुम से समाजवादी को बोलो ना, समाजवादी। आदित्य जी को वोट कर रहे हैं मतलब? हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ सर? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी? जी। आप क्या करते हैं हुकुम सिंह जी? काश्तकारी करना है साहब। क्या करना है? छोटी मोटी काश्तकारी करते हैं आप? बताइए, काश्तकार हैं आप भी, किसान हैं, आपकी भी वही दिक्कतें रही हैं? वही दिक्कतें साहब, रात को जगनो गैया को देखनो रखानो चिल्लानो और कहा जगह। काश्तकार इतना परेशान है कि अब जो तो हम लोगों ने कोई बताया, जो तो झूठे सांचे बाधे के बिल फ्री करेंगे, केसीसी फ्री करेंगे, जे करेंगे। तो बोले हम बिल माफ कर दिए किसान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी अभी उनने कह रही है उसके बाद बिल माफ देंगे? नहीं, कुछ नहीं। इस समय माफ चल रहा है? हाँ, इस समय चल रहा है माफ, उसके बाद में कर देंगे। अभी फिलहाल आपको लग रहा है चुनाव से पहले कर रहे हैं वो चुनावी? जी जी जी, पहले करना चाहिए जी। ये सरकार तो बहुत भेदभाव वाली सरकार है। किससे भेदभाव कर रही है? सब यादव वंश है, मुसलमान वंश है, और जो हमारे जाटव हैं, कोरी हैं, जुलाई हैं, ये सब बेचारे परेशान हैं। ये तो अपने आराम से मौज ले रहे हैं, झूठ साँच बोल बोल के वोट ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान ही बैठे चला चला एक और का है। राम मंदिर इतना भव्य बना दिया अयोध्या में, उनने थोड़ा बना दो, तो हाई कोर्ट के फैसला, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उस पर बनाया, कोई उनने थोड़ा बना दो, उस मुद्दे पर वोट नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कुछ ना, हमारे कुछ नहीं। आप कहाँ पीडीए हैं? आप सब पीडीए हैं जी, ठीक है। आपका नाम साहब? मुझे साहब हरवीर सिंह कहते हैं, मास्टर हरवीर सिंह। क्या कहते हैं मास्टर जी? आप टीचर हैं? नहीं, मैं साहब कपड़ा काट तो अपन गुजर कर रहा हूँ। अच्छा, आप टेलर मास्टर जी? जाटव में। जाटव जी, अच्छा। हरवीर सिंह जी बताइए, दलित समाज के लिए पिछले 10 साल इस सरकार के कैसे रहे हैं? खूब बढ़िया रहे हैं, फ्री को गल्ला बता रहे हैं, बीजेपी हम गल्ला वाले दे रहे हैं, गल्ला खूब दे रहे हैं। काश भी गल्ला ना तो पेट ना पालेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने 20 किलो 25 किलो गल्ला दे दो, पतो पर खेत में 10 क्विंटल गाय भेजो, गायों से गल्ला काश वो कतई ना भेजे, और 10 क्विंटल गल्ला हमारे खेत में प्राप्त है जाए तो हमें गल्ला की क्या जरूरत है? और पूंजीवादियों को तो अभी संपत्ति ज्यादा मिल रही, गरीब लोग कहाँ, गरीब लोगों का सामान आ रहा है पूंजी, अरे पूंजी पार्टी भी पूंजीवादी है, और पूंजी लोगों को, पूंजीदार लोगों को फायदा हो रहा था। अब जैसे कृषि किसान सम्मान निधि में मान लिया जाए, सबको चाहे ज्यादा जमीन वाला या कम जमीन वाला, उनको अच्छा। चलिए, आप टेलर मास्टर हैं, आपके धंधा कैसा रहा है 10 साल में? धंधा सब जो तो हमारे मतलब खेती से चौपट है, जो तो बेच के धंधा, जो तो मजदूरी है साहब, जैसे मजदूरी से तो पालन पोषण करो और कहा जा सकता, बाकी और कोई ना है। वैसे हम आपको जो बता दें, हाँ, जो तो कर्म करना है, मगर बाकी हमारे और कोई समस्या ना है। समस्या ये कि लोगों की जांघें कट गई, डॉक्टर मेडिकल पे भरे पड़े हैं, अस्पताल में भरे पड़े हैं, पशु आवारा छुटे पड़े हैं,
और बाकी जैसी कोई समस्या ना है, पशु से ज्यादा समस्या है। वोट का आरक्षण खत्म होने वाला है। आरक्षण भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान उनकी रूपरेखा जो है भारत का संविधान का समापन ही होने वाला है। आपको डर है इस बात का? हमको तो डर है, हमारा भारत के संविधान के प्रारूप के अधिकृत 18% जो आरक्षण है वो समापन होने जा रहा है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान जो है उसको कोई नहीं बदल सकता, ये मेरी गारंटी है। आरक्षण कोई नहीं ख़त्म कर सकता, है मेरी गारंटी है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो पीडीए की बात कर रहे हैं, ये दलितों का और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, मोदी जी तो ये कह रहे हैं। करनी में कथनी में साहब बहुत अंतर होता है, करनी में कथनी में बहुत अंतर है। करनी करण करण बिन करनी, बिन करनी के करण नहीं, और कथनी कथन कथन बिन कथनी, बिन कथनी के कथन नहीं। कहने में गारंटी तो दे रहे हैं, मानी जा रहे हैं, गारंटी तो दे रहे हैं और खूब प्रचार प्रसार रह रहे हैं, मगर गारंटी किस चीज का? ये तो कहा गौशाला गौशाला में तमाम गाय बंद रही, कौन सी गौशाला बंद भैया साहब? कहाँ की गौशाला की गारंटी? गौशाला की गारंटी कहाँ है? अच्छा। ये तो अपराध और भ्रष्टाचार है। रब हमने बल्लम घुसित दो, आपने बल्लम घुसित दो, लट्ठ उन्होंने मार दो, उन्होंने लट्ठ मार दो, गाय की एक तरफ पूजा आ रही है, एक तरफ लट्ठ खा रही है। साहब बहुत परेशान। चलिए ये बताइए फिर आप किस बार कहाँ वोट दे रहे हैं? इस बार क्या साहब? पीडीए। आप बहन जी पर नहीं जा रहे? बहन जी को दबना है, बहन जी की ताकत जो है गिर चुकी है, बुड्ढन है गई है, पार्टी में दमना वैसे बुड्ढन डम डालेंगे। सही बात है। अच्छा चलिए, उसका तो यहाँ उम्मीदवार है नहीं, लेकिन एक नौजवान बहुत जाटव दलित समाज से ही, एक बहुत होनहार सा एक नौजवान नेता आया है, नगीना से चुनाव लड़ रहा है, चंद्रशेखर। हाँ, उसके बारे में क्या रुझान है यहाँ पर? यहाँ पर उनका तो यहाँ टिकट, उनका यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये, उनका तो चुनाव यहाँ होगा नहीं। नहीं चुनाव नहीं है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ उनके प्रति लोगों की क्या मंशा है जाटव समाज से? जाटव समाज की जैसे वहाँ के जो जाटव है वहाँ उन्हें गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जहाँ लड़ने आ रहे हैं तो जहाँ सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उनके प्रति भी रुझान है कि आने वाले साल, आने वाले पीरियड में अगर चंद्रशेखर जी उभर, यहाँ पर उभर के आएंगे तो उनके साथ विशेष सपोर्ट होगी, विशेष सपोर्ट होगी। ठीक है, चलिए एक सेकंड, गाड़ी निकल रही है, ये सपा की ही गाड़ी है जी। साहब आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं। बढ़िया रहे 10 साल? ना हम तो ना जम कहा बढ़िया रहे, देखो जी आसमान काटता है, आसमान काटता है तो जो मन की दरखास्त पहले ही दे दी हम, भावना जो जो बना में कि हमें बीमारी ना हो, हम पे हुआ हमने मन कर दी इनका दे दी लल्ला, जो बीमार हो ता हम बीमारी ना होंगे, ईश्वर हमने साफ कही जी। फिर रहे जी ऐसी एती एती बड्डी बछेन पर जो विदेशी साण है फंस जाते हैं, बच्चा दानी फटता जी। हाँ सह करो भैंसियन पर भजत फंस जाते हैं, सह करो भैंसियन डाल गई। बहुत नाराज हैं आप और बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो बेचारी जी एक ही फेरा में उबाल जी कटत फिर रही हैं, तार कसी में सड़ी फिर रही, वैसे हम दबाऊ लगाते हैं, पहुँच जाते हैं दबाऊ लगा। चलिए कहाँ कहाँ वोट कहाँ कर रहे हैं इस पर? ना हम तो बामे जाम ही देंगे, जाम समाजवादी में, समाजवादी के हैं। चलिए और कुछ नौजवान यहाँ पीछे खड़े हैं, भाग गए मुझे देख कर, मेरे नाम लेते बताइए। नौजवान बदायूं का नौजवान तो इतना मैंने सुना है दमदार होते हैं, तुम ऐसे भाग रहे, क्या नाम हो? राकेश यादव। राकेश क्या करते हो? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं, अभी कुछ कितना पढ़े हो? इंटर। इंटर किए हैं, तो कुछ और अप्लाई नहीं किए नौकरी के लिए कहीं? नहीं कहा नौकरी कहा, जो लोग डिग्री पीएचडी पे उनके लिए तो है नहीं, हमारे लिए क्या नौकरी है? मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़, 3 साल ही कर दी, 4 साल की, 4 साल ही कर दी, कहाँ नौकरी है ये बताओ आप? आप पहले अप्लाई करने वाले थे आर्मी के, क्यों ना 4 साल में मजा नहीं है, अंडर एज भी हो गए काफी देर में, तो वैकेंसी कहाँ निकली? ओवर ये आप बताइए, एक यूरिया का कट्टा आपने 45 किलो का कर दिया, आप 5 किलो का राशन किसान से हटा लो, उसकी यूरिया है डीएपी है कीटनाशक इन पे सस्ता करो, जिसको जरूरत है जांच करे उसे दो, 45 किलो करके रेट भी वही रखा है, बताइए कम किया जिसको, जो लाभार्थी है 5 किलो का उसे दो आप, बाकी से अब ले लो मन दो, कीटनाशक दवा है डीएपी है और बहुत सारी किसान की चीज है, हर किसान के छोटा हो या बड़ा, हर किसी घर में बेटी बेटे हैं, शादी होती है, हर किसी किसान को 40 कुंटल गल्ला घर में नहीं निकलेगा, और वो खाने को नहीं रखेगा, 40 कुंटल बेच देगा तब एक तोला सोना आएगा, बताइए आप कहाँ कितना भाव आप गेहूं का? चलिए कहाँ बेच कहाँ वोट कर रहे हैं? आदित्य को करेंगे, समाजवादी पार्टी को, नौजवान है नया खून है, नई बुढ़ी की राजनीति करते रहे, नई नहीं आ रही। एक चीज बताओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बदायूं तो काफी हद तक सपा की सेफ सीट मानी गई थी, पिछली बार हार गए थे, लेकिन इसका क्या कारण है? ईवीएम से हारे थे, हराए रहेगा, हारे नहीं थे, हराए गए थे जी।
लेकिन सलीम शेरवानी जी भी अलग लड़े के, उसका भी कुछ प्रभाव था, वोट कटा। हाँ होता है, कोई कैंडिडेट थे इतने साल सपा से वो रहे हैं तो कुछ तो प्रभाव रहा उनका। लगभग 60,000 वोट आए थे सलीम शेरवानी जी को पिछली बार, और लगभग 18-19,000 वोटों से पिछली बार धर्मेंद्र यादव जी हैं सपा से हारे थे। इस बार उस तरह का बिखराव तो नहीं होगा वोटों का, पर देखते हैं। बसपा ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम खान दिए हैं, कितना वो काट पाएंगे, इतने मशहूर या इतने यहाँ के इस इलाके में कम से कम इतने जानने वाले नेता नहीं है। जी साहब, आपका नाम? हाँ साहब, नेत्रपाल सिंह। हाँ जी, नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल सिंह जी क्या करते हैं? काश्तकार हैं साहब। आप भी किसानी करते हैं? काश्तकार हैं, ठीक है। बताइए जी, बताएं क्या वो खेत में गाय रखा रहे हैं तो हमको तो उहाना पड़ रही है कहीं गई ना आ जाएं। चलिए, आप घर में बजरवाइन डर रही है कहीं गुंडा ना रहा अपने घर में, है दिक्कत ही दिक्कत। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, आप बात कर रहे हो भाजपा कहती है हम यहाँ सारी कानून व्यवस्था सुधार। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बउआ तो घर में डर रही है कहीं कोई आ नहीं है, हमारा आदमी घर नहीं है, आदमी वहाँ डर रहे हैं कहीं हमारे खेत नहीं खाए गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको तो यही है इस सरकार में। कहाँ वोट कर रहे हो? अब वोट तो करते तो बीजेपी को, मजबूरी तो यही है, तो वो गई और ज्यादा बढ़िया तो साइकिल बढ़िया है, साइकिल डालेंगे वोट भैया। आप छोड़ रहे हो भाजपा? हाँ। आप क्या बिरादरी, अगर मैं पूछ सकता हूँ क्या बिरादरी से हैं आप? यादव। यादव हैं तो आप पिछली बार लेकिन भाजपा पर गए थे? न गए तो नहीं थे, मगर बढ़िया काम करते तो चले आते। अच्छा। अब काम तो बहुत ही गलत हो रहा है ये। अच्छा। और फिर इन्हों गोइयों को पूजा कर रहे हैं हम, देख करते फिर रहे हैं हम, लटते पेटते फिर रहे हैं और तार से लगा रहे हैं, हमारे हाथ कट जाते हैं, भजते हैं, रोनते हैं, हम भी गिर के कट जाते हैं, गैयाँ भी कटती हैं, तो पूजा खा रही है हमारी, वो तो अनादर हो गया उनका। जी साहब, क्या नाम हुआ अपना? रामी नाम है। ये अपनी दुकान है? हाँ है, किराए की है। किराए की है तो रामवीर जी ये बताइए, आप किराए की यहाँ दुकान चला रहे हैं, 10 साल में धंधा कैसा रहा है? बढ़िया ना है धंधो बंधो, बढ़िया ना है। बढ़िया ना है क्यों? अरे भाई 50-40 रुपया का होता है तो उठ जाते। अच्छा, और कितनी दिक्कत हुई है लॉकडाउन वगैरह में? कितनी दिक्कत हुई जब बंद हो गया कोरोना? मैं तो लट्ठ भर रहे लट्ठे के पुलिस ने मारे। अच्छा। ये तेरा सब्जी लेकर जाते उठा लट्ठ भर रहे, उतर रात होते लट्ठ भर रहे। अच्छा। हाँ बहुत तंग किया लॉकडाउन। और मोदी सरकार तो लेकिन कहते थे मोदी जी हम तो मजदूर हैं, हम खुद चाय बेचे हैं, मजदूरों का दर्द समझते हैं, नहीं समझे आपका दर्द? अब बताओ। अच्छा चलिए ये बताइए, वोट कहाँ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार वोट? हाँ अरे जहाँ बन में वही साढ़ आ रहे, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी सोचे नहीं है ना। अच्छा, फूल पर जाएंगे इस बार? कहा तो पूछ अंग्रेजों से, कहा डाले हैं घर वाले तो और हुए हमारे। अच्छा, सबसे पूछ। हाँ। सबसे पूछताछ करके राय बनाएंगे। हाँ, लग रहा हूं। ठीक, चलिए आप समझ के। जी साहब, क्या नाम हुआ? देवपाल। देवपाल जी क्या करते हैं आप? काश्तकारी काम करते हैं। आप भी किसान हैं? हाँ। बताइए, 10 साल वो सब लोग कह रहे हैं उधर जो किसान मिले हैं, कह रहे हैं कि ये आवारा छुट्टा पशु से बहुत परेशान है, बीजार से परेशान है, आपको भी दिक्कत? हाँ बहुत परेशान है साहब। हाँ सगरी रात मान लो गैया बाजार रखा पता, और तई फिर रात के तय मान लो दिन भर रखाबो और रात भर रखाबो तो परेशान खा जाते। अच्छा चलिए बताइए, खा जाते बहुत, किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, और गैया सब कटी डोल रही है, जनावर पत्ता मान लो 8-9 जीते मच जाते। अच्छा, जो साल के 6,000 रुपये मोदी जी ने कहा था किसान सम्मान निधि के, वो मिल रहे हैं आपको? है? किसानों को कहा था ना? हाँ उनसे कहा है, वो मिलता ना मिलता, मिल भी जाता ना ही मिलता, भरपाई नहीं हो रही लेकिन मिले। वो है गई, वो सतरी वो केवाईसी खराब है गई, के फलानो है नमको है ना ही मिलता। चलिए वोट कहाँ कर रहे हैं? साइकिल पर देंगे हम तो। साइकिल पर दे रहे हैं। चलिए सामने बिरयानी वाला है, उधर चलते हैं, बहुत देर से मन ललचा रहा है। जी नमस्कार, ये यादव जी बिरयानी वाले हैं जी, क्या नाम हुआ अपना यादव जी? नाम है भैया धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या सारा वेज बिरयानी है इधर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चाप वगैरह का, नॉन वेज का नहीं है? अरे हमारा इतनी देर से मन ललचा रहा था, चलिए आज वेज बिरयानी खाएंगे थोड़ी सी। जी बताइए साहब, चुनाव आ रहा है, कैसे रहे आप? ये कब से कर रहे हैं ये वाला काम बिरयानी का? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, पहले क्या कर रहे थे? नहीं खेती बाड़ी कर रहे थे पहले। खेती बाड़ी कर रहे? हाँ जी। फिर ये क्यों करना शुरू किया? भाई घर वालों का गुजारा नहीं हो रहा था, इस चक्कर में काम खोल लिया ये। तो नौकरी वगैरह नहीं मिली? नहीं नहीं, नौकरी घर क्यों? नौकरी करते ही नहीं घर वालों ने। अच्छा अच्छा, बिजनेस कैसी रही है 2 सालों में इस सरकार में? ठीक है, हमारा तो थोड़ा खाना पीना हो जाता है और क्या, थोड़ा इंतजाम हो रहा है ठीक। चलिए ये बताइए अभी क्या सोच रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? अखिलेश को देते हैं हमारे यहाँ तो, हमारा वोट बना नहीं है। आपका वोट नहीं बना? अच्छा, लेकिन घर वाले अखिलेश को देते? हाँ ठीक है।
वैसे कैसा काम लगा है, सरकार का कैसा काम लगा है? ये सरकार का तो दुखी है सब लोग ही। अच्छा, हाँ जी, बीजार वगैरह से भी? हाँ, सब ज्यादा। तो राशन नहीं मिल रहा 5 किलो? राशन मिलता है, उससे क्या, ज्यादा थोड़े, बड़ा परिवार है, उससे गुजारा थोड़ी होता है। सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं, धन्यवाद। वहाँ पान की दुकान है उनकी, सिगरेट की दुकान है। नमस्कार जी। जी साहब, क्या नाम हो अपना? हमारा अमलेश। अमलेश जी, क्या ये अपनी दुकान कब से खोली है आपने? दुकान तो बहुत दिन से खोली हुई है। बहुत दिन से, 10 साल कैसे रहे हैं धंधे के लिए सरकार में? धंधे के तो सही रहे हैं। फिर एक ही दिक्कत है सबसे ज्यादा इस सरकार में, सांड ज्यादा हो गए हैं। चलिए, वो आपका खेती भी है क्या? हाँ, खेती भी है सर। तो ये सांड ज्यादा हो गए, चलिए खेती के तो उससे नुकसान, लेकिन आप कह रहे हैं इसका धंधा ठीक रहा है, नोटबंदी वगैरह से कोई असर पड़ा या ये बढ़िया रहा फिर? नहीं, नोटबंदी से तो खैर कोई असर नहीं पड़ा है, मगर इससे सही है धंधा पानी अपना चल रहा, मगर उससे ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। सांड ज्यादा हो गया, खेती में देखा भारी ज्यादा करनी पड़ती है, वहाँ में ज्यादा दिक्कत है। तो कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? है जी, वोट कहाँ कर रहे हैं? वोट तो अब बदला हुआ, चेंजिंग चल रहा है जी सर। कहाँ चेंजिंग ला रहे हैं? अब तो सपा लड़ रही है। आप क्या, आप किधर, सपा की तरफ सोच रहे हैं चेंजिंग? हाँ, जाना तो उधर ही चाह रहे हैं। क्यों, आप तो कह रहे हैं आपका धंधा बढ़िया चला है 10 साल? ना तो चल रहा है, अब सभी बदल के जा रहे हैं तो हम भी बदल के जा रहे हैं, क्या परेशानी है? ये क्या बात हुई, आपको अगर धंधा बढ़िया लग रहा है तो फिर भाजपा पे ही जाना चाह? नहीं तो मेरे एक जिताने से थोड़ी जीत रही भाजपा। अच्छा, आप वैसे उधर ही जाने की सोच रहे हैं? हाँ। अमलेश जी, क्या आपने, आप भी यादव हैं, कौन सी बिरादरी? नहीं, यादव है हम भी। आप भी यादव हैं, तो वैसे भाजपा पर मन था आपका? मन था, मन बदल गया जी सर। अच्छा, जनता के प्रभाव में मन बदल गया। जी साहब नमस्कार, आप साइकिल पर तो नहीं है, मोटरसाइकिल पर है? साइकिल पर ही है। वोट क्या साइकिल पर है या कहीं और है? साइकिल पर है। क्यों, क्यों क्या है अपना? दिल है, दिल है। क्या नाम हुआ दिल वाले? मेरा नाम नफीस है। हाँ, नफीस है मेरा नाम। नफीस भाई, पिछली बार ये बताइए, कुछ ऐसा लगा यहाँ से सपा हार गई थी 18,000 वोट से। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो जो शेरवानी साहब अलग लड़े थे, थोड़ा मुस्लिम वोट बट गया था, इस बार बटेगा वोट? क्योंकि मुस्लिम खान, बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, मुस्लिम खान वोट नहीं कटेगा आपकी बार? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, एक तरफा जा, एक तरफा जाएगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब एक हिस्सा, सब एक तरफा जा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ साहब? पुष्पेंद्र। जोर से पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र। अच्छा, अब नफीस साहब करते क्या हैं आप? हम सब खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। बढ़िया रहे 10 साल? बढ़िया कहाँ रहे, गाय से परेशान है। गाय से सब परेशान है यार, बीजारों ने सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। पुष्पेंद्र, तुम क्या करते हो? किसानी करते हैं हम। किसानी करते हो। पुष्पेंद्र, तुम हिंदू हो? ये मुसलमान हैं। मोदी या भाजपा वाले तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो क्या है, घुसपैठियाँ हैं, ये हैं वो, आप इन्हीं की बाइक पर बैठ के क्या बात है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, सब भाई भाई हैं। सब भाई भाई हैं। अच्छा, हाँ। आपके अंदर राम मंदिर का अगर सब का नहीं है कुछ? क्यों नहीं है, है? हाँ, क्यों नहीं है? तो कहाँ वोट कर रहे हैं? साइकिल पर। हद है, इनकी मोटरसाइकिल पर बैठे इसलिए कह रहे हो, सच बोलो? नहीं नहीं, साइकिल पर देंगे वोट। वोट साइकिल, वोट साइकिल पर देंगे। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ नौजवान। जी नमस्कार साहब, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र जी, क्या करते हो? कुछ नहीं, खेती करते हैं। खेती करते हो, बढ़िया रहे 10 साल। किसान सम्मान निधि मिली कि नहीं? ना मिली। बात कर रहे हो, मोदी जी कह रहे हर अकाउंट में मैं 4 महीने में 2,000 डाल रहा हूँ। ना, हमारे अकाउंट में तो कभी ना आई है। अच्छा जी, और बीजारों ने स्वागत, बीजारों ने आपकी उस पर आशीर्वाद दिया? खूब आशीर्वाद दिया बीजारों ने, खूब आशीर्वाद दिया। कितना नुकसान किया? खूब करवाया जितना हो सकता है। तो वोट कहाँ दे रहे हैं? वोट समाजवादी को। अच्छा, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यादव हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पसंद है? सच बताओ। नहीं, यादव की वजह से नहीं। हाँ, केवल बिजारों को, विकास की वजह से, बिजारों की वजह से परेशान है। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। नमस्कार भाऊ जी, कौन है? आइए साहब, लाल गमछा पहने हुए हैं फिर भी भाग रहे हैं, ये कोई बात हुई? बताइए क्या नाम हुआ अपना? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, लाल गमछा पहने उसका मतलब वही है क्या? ना था जो, तो लाल एक बजरंगबली का रंग है ये तो। अच्छा, ये सपा की वजह से नहीं है? ना, सपा से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या क्या करते हैं? ये भैया की दुकान पे रहते हैं, रोटावेटर की। कौन सी दुकान पर? मेरे सामने भाई साहब की दुकान है, वो वाली। 6,000 महीना में नौकरी कर रहा है। क्या कितना मतलब ठीक रहा है मजदूरी जो की है 10 साल कैसे तो रहे? मजदूरी तो अपने मेहनत के ऊपर है, जितनी कर लोगे उतना पेमेंट मिल जाएगा। तो मजदूरों के लिए कैसे रहे 10 साल? 10 साल तो बाजारों ने हम रोंदे, हमने बाजार रोंदे, दो ही काम है।
और राशन नहीं मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं हम सबको लाभार्थी हैं। राशन कितना 5 किलो में क्या हो जाएगा, 5 किलो तो 3 दिन में खा लेंगे, 4 बच्चे हैं और एक हमें 5 किलो में क्या हो जाएगा। चलो मजदूरों के लिए कोई स्कीम भी आई है जिससे मदद मिले घर पे? मजदूरों के लिए क्या स्कीम है अभी बताओ, कौन सी स्कीम है? केवल वादे करते हैं ये लोग, जुमलेबाजों की सरकार है ये और रड़ुओं की। रड़ुआ आदमी क्या बाल बच्चों के बारे में बता सकता है कुछ? परिवार नहीं है इसलिए परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार का दर्द। वो तो कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, उनके समर्थक कहते हैं मोदी क्या है। मेरा पूरा परिवार है, ये फैक्ट्री मेरी है, जो लाइन जो ट्रेनें बनवाई थी सब मेरे द्वारा बनाई हुई हैं ये, उस समय मैं कंपनी का मालिक था। तो ये मेरे कहने तो हो जाएगा क्या, ये तो सब झूठी बात है। कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? वोट तो देखो जो समा काम करेगा उसका वोट है। कौन कर रहा है काम? साइकिल ने किया है पहले से, समाजवादी ने, समाजवादी का वोट करेंगे। लाल गमछा लेकिन बजरंगबली जी का है, सपा का नहीं है, याद रखें। वोट इनका साइकिल। राम मंदिर, सुनो राम मंदिर के बारे में कहते हैं, राम मंदिर के बारे में जो जय श्री राम करते हैं वो एक रुपया श्री राम के पक्ष में खर्च नहीं करते होंगे। मैं प्रत्येक साल रामचरित मानस का पाठ करता हूँ और दावत भी करता हूँ लोगों की, और जे लोग केवल जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम बाजी करते हैं केवल, और कोई नया काम करते हो तो बताओ आप। मतलब धर्म पर ही पूरी राजनीति? धर्म पर करते हैं केवल, राजनीति के लिए धर्म पर जोड़ना नहीं चाहिए, कहता तो ये करता है, कहता है। हाँ जी साहब, क्या नाम हुआ? गोविंद। गोविंद क्या कर रहे हो? सपा की साइकिल कहाँ लेकर जा रहे हो? ये साइकिल पर साइकिल के झंडे क्यों लगाए हैं? हम तो भैया अखिलेश यादव और आदित्य भैया देंगे वोट। आप अखिलेश यादव और आदित्य भैया को वोट देंगे? आपका वोट बन गया है? ना, मैं मेरे पापा देंगे। आपके पापा देंगे? क्यों पसंद है अखिलेश भैया? क्यों पसंद है कि इसे हमारे का कहते हैं बढ़िया करते हैं। बढ़िया करते हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया करते हैं। वोट नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अभी से ही हिस्सा बन गए हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। खैर, आप लोग CCA से जुड़े रहें, आप तक खबरें आती रहेंगी यूपी चुनाव की। धन्यवाद।